आपका नाम? निर्मला गौतम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग। राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग जी। मतलब आज के टाइम में ये है कि कोई भी जमीन पे काम करना नहीं चाहता, लेकिन कोई राष्ट्राध्यक्ष, कोई प्रदेश अध्यक्ष, कोई वो, मतलब क्या मुहिम चलाना चाहते हैं आप? महिलाओं के लिए चलाना चाहते हैं। ये बलात्कार होता है, महिलाएं इनको छेड़ी जाती हैं, इनके पीछे में हटने वाली नहीं है, इनको बचाएंगे महिलाएं को, चाहे भले खून पसीना करने पड़ा। क्या आप लोग गांव देहात के अंदर जाते हैं तो शहर के अंदर आके हम मन से बोल देते हैं हम महिलाओं को बचाएंगे? मैं घर घर जाती हूँ, गाँव गाँव जाती हूँ। कौन से गाँव में अभी तक गाँव की कवरेज किया है आपने? औरैया जिला से हूँ। औरैया जी, औरैया जितने क्षेत्र ब्लॉक सात है, सातों ब्लॉकों में जाती हूँ गाँव गाँव। तो आपके साथ में इस समय भी कितने महिलाएं आई हैं? मेरे महिलाएं तो एक ही आई हैं, दूर के वजह से नहीं आ पाई हैं, वहाँ मेरी महिलाएं काफी हैं। अच्छा, आप जब वहाँ फील्ड में काम करती हैं तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सारी परेशानियां हैं और क्या। क्या परेशानियां हैं? परेशानियां क्या क्या परेशानियां जो आप महिला को इकट्ठा नहीं कर पा रही हैं? महिलाओं की परेशानियां हैं, महिलाओं को दूर करते हैं, अपना समाज के लिए काम करना चाहती हूँ। समाज को वो लोग दबाना चाहते हैं, दबना नहीं चाहती हूँ। बहुत महिलाएं अपने मेरे समाज की दबी हैं, बहुत उनके आलोचना हुए हैं, अब नहीं होने दूंगी। तो महिलाएं फिर एजुकेशन में आगे क्यों नहीं आ रही है, शिक्षा में क्यों नहीं आगे आ रही? आएंगी, उनको समझाएंगे, जाते हैं घर घर और समझाएंगे, वो आएंगे क्यों नहीं आएंगी। आपका नाम? मेरा नाम सुरजीत कौर है, हरियाणा अध्यक्ष। हरियाणा से अध्यक्ष हैं? हाँ जी। तो मैडम आप क्या मुहिम लेके चल रहे हैं महिलाओं के लिए? हम ये मुहिम लेके चल रहे हैं कि ताकि हरियाणा की लेडीज, मतलब हरियाणा की लेडीज, ऑल इंडिया की लेडीज एक हो, एकजुट हों, और उन पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। मतलब एकजुट आप कैसे करेंगे, क्या एक क्या मसला है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आपको जो इतना बड़ा एक असला दे दिया एजुकेशन का, तो एजुकेशन के अंदर सब पीछे हैं हरियाणा में? तो हरियाणा में पीछे हैं, कुछ दलित मतलब के गरीब परिवार हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको हम एजुकेशन के लिए आगे बढ़ाएंगे। तो ताकि कैसे बढ़ाएंगे? हम संगठन की तरफ से, ताकि उन्हें उनको नॉलेज दें कि शिक्षा में आगे बढ़ें, ताकि तुम्हारा रुतबा और अच्छा बढ़े।